ओके, फर्स्ट बायोपॉलीमर जो कि आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। टोटल फोर बायोपॉलीमर्स आपने पढ़ने हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सेकंड लिपिड्स, थर्ड प्रोटीन्स एंड लास्ट वन न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप पढ़ोगे। कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट बायोपॉलीमर हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बो कार्बन से है और हाइड्रेट्स वाटर के लिए टर्म यूज की हुई है, वाटर से रिलेट कर रहे हैं आप इसे। तो अगर आप इसके मीनिंग इसके नेम से ही लें तो मीनिंग इसका क्या आएगा? हाइड्रेटेड। कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन मीन्स कि ऐसे कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रेटेड, यहाँ पे वाटर के लिए टर्म यूज की है, तो कोई भी ऐसा कार्बन जिसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हुआ हुआ है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला ड्रॉ करें तो जनरल फॉर्मूला में भी आपको वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। ये एक कार्बन छोटा सा एक एन आपने ड्रॉ करना है, ब्रैकेट्स में एक वाटर का मॉलिक्यूल और ये एन एक और आपने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब यहाँ पे जो हाइड्रेटेड कार्बन आपने पहले बोला कि ऐसा कार्बन जिसके साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये आपका कार्बन और ये वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हुआ हुआ है। यहाँ पे एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कार्बन के कितने नंबर्स होंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि वाटर को बना रहे हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर यहाँ पे कितना होगा? अब यहाँ पे किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आप जो नंबर इन एन के अंदर पुट कर सकते हैं वो 3 से स्टार्ट करके थाउजेंड्स में कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, सो हमने 3 से स्टार्ट किया है, तो 3 से स्टार्ट करके यहाँ पे जरा फिल करके देख लेते हैं। एन को रिप्लेस करवाएं 3 से, यहाँ पे भी एन को 3 से रिप्लेस करवाएं और इसको ओपन करके इस फॉर्मूला को लिख दें तो क्या आ जाएगा? C3H6 एंड O3। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे हाइड्रेटेड कार्बन, हमने यहाँ पे कार्बन को क्यों बोला कि इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल एक अटैच है? बिकॉज आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, चाहे वो सबसे स्मॉलेस्ट है जिसके अंदर 3 कार्बन है या थाउजेंड्स में कार्बन का नंबर है, तो जिस भी नंबर में आपके कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के साथ हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की रेशियो वाटर वाली होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो आप मुझे बता दें, हाइड्रोजन का 2 नंबर है और ऑक्सीजन का 1 है। इट मीन्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो वाटर के अंदर 2:1 है। तो जितने भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनके अंदर 2:1 ही होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ये जो आपने एक कार्बोहाइड्रेट ओपन करके लिखा था इसको भी देख लें, अगर यहाँ पे 3 है तो इसको सिंपलीफाई करें। 3 को आपने डिवाइड किया 3 से तो 1 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपकी जो सिंपलीफाइड रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो वाटर वाली है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 होती है। सो ये रेशियो सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सेम रहती है, इसलिए आप कहते हैं कि ये हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम वही है जो कि वाटर की है। चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट सबसे स्मॉलर है जिसके अंदर 3 है, या कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर थाउजेंड्स कार्बन है, वहां पे दोनों के अंदर ही आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 ही रहती है, इसलिए आप कहते हो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। ओके, सो ये जनरल फॉर्मूला आपको सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसका मीनिंग आपने याद रखना है। और अब हाइड्रेटेड कार्बन कहते क्यों हैं? क्योंकि रेशियो इनकी वाटर वाली है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो वाटर वाली है, इसीलिए आपने हाइड्रेटेड कार्बन कह रहे हो। एक मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। ओके, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स
और कीटोन्स। ओके, अब मैंने यहाँ पे और की टर्म यूज किया, इट मीन्स के या तो एल्डो ग्रुप अटैच हो सकता है या फिर कीटो ग्रुप अटैच हो सकता है। जब भी आप एल्डो ग्रुप की बात करते हैं तो वो सी एच ओ है, इसकी साइड पे कोई और चेन आप आर चेन अटैच करवा सकते हो, जो कोई भी आपकी इधर बाकी जो चेन है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे अटैच हो सकती है। ओके, कीटोन्स में जब भी आप बात करते हैं तो ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, उसके साथ आपने कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और ये दो कोई सी चेन्स अटैच हो सकती हैं। एल्डिहाइड के साथ जस्ट एक ही आपने चेन अटैच करवानी है और इसके दोनों साइड्स पे आपकी दो चेन्स अटैच होंगी। ओके, सो फर्स्ट जो आपको हिंट मिला है ये हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। डेफिनेशन किसकी है? केमिकल डेफिनेशन है ये कार्बोहाइड्रेट्स की, और इम्पोर्टेंट भी है ये शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर आपको लो क्वेश्चन भी आता है तो आपने लाजमी इसको हाईलाइट करना है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स में एक चीज़ आपको क्लियर होगी, या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर उसमें कीटोन ग्रुप होगा। हमने और यहाँ पे लिखा है, एंड नहीं लिखा। एंड अगर होता तो इट मीन्स के एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों होंगे, या तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डो ग्रुप हो सकता है या फिर कीटोन, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ओके, ये तो क्लियर हो गया। फर्स्ट वाला देख लें, पॉली इज फॉर मैनी एंड हाइड्रोक्सी इज फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या है कि बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुए हुए हैं, बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं कार्बन के साथ, और इसके अलावा इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी होने के साथ साथ दो फंक्शनल ग्रुप, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर एल्डो या फिर कीटो ग्रुप। ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन है। आई होप कि आप इसको याद भी कर लेंगे और अच्छे से याद भी रहेगी। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ। CHO कोई भी हम ऐसा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जिसके अंदर थ्री कार्बन है, बिकॉज सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर थ्री कार्बन हो सकते हैं। यहाँ पे हमने ये रेंज लिखी हुई है कि थ्री से लेके थाउजेंड तक कार्बन का नंबर हो सकता है, या इस एन का नंबर आप लिख सकते हो। ओके, जब भी बेटे आपने लिख दिया तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थ्री की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी भी आपने सारे इसी तरह से करने हैं। आपने एक साइड पे हाइड्रोक्सिल और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम लगा देना है। अगेन यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल कार्बन की वैलेंसी आपने इस चैप्टर के स्टार्ट पे पढ़ा था, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आप टर्मिनल पे दो हाइड्रोजन अटैच करवाओगे। ओके, सो अब यहाँ पे आपने ये एल्डो ग्रुप अटैच करवाया है, तो एल्डो ग्रुप अटैच होने की वजह से आप इस शुगर को बोलोगे ये एल्डो शुगर है। एक कीटो शुगर की एग्जांपल ले लेते हैं और इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हर एक कार्बन के साथ आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवाना है। ये हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये अटैच करवाया, जितने भी आपकी चेन होगी आपने उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवाने हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कार्बोहाइड्रेट के नंबर या उसके जो कार्बन है वो 10 थे, हर एक कार्बन के साथ आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवाया, जस्ट एक आपका जो कार्बन है उसके साथ या तो आपका एल्डो ग्रुप होगा या फिर कीटो ग्रुप होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज आता है या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर 15 कार्बन है, तो आप बता दें कि कितने कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। एक को स्किप करना है, 15 थे तो कितने के साथ अटैच होगा? 14 के साथ। तो यहाँ पे 10 हमने लिखा है, एक को स्किप करवा के एक के साथ बिकॉज फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, तो रिमेनिंग 9 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, और जो एक है उसके साथ या फिर एल्डो या फिर कीटो कोई भी चीज अटैच हो सकती है, कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे एक कीटो शुगर की हम एग्जाम्पल ले रहे थे, आपने ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवा दिया, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपने ये 4 बॉन्ड्स उसके बना दिए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने एक ही हर एक कार्बन के साथ अटैच करवाना है। ओके, अब आप यहां पे नोट कर रहे हैं कि मैंने
एल्डो जो ग्रुप था वो बिल्कुल टर्मिनल पे अटैच करवाया, वाइल जो कीटो ग्रुप है वो चेन के सेंटर में अटैच करवाया हुआ है। नंबरिंग कर लेते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड एंड थर्ड कार्बन। यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। ओके, सो दोनों टर्मिनल वाले कार्बन को छोड़ के जो आपका सेंटर वाले कार्बन है आपने कीटो ग्रुप हमेशा उसके साथ अटैच करवाना है, और जो एल्डो ग्रुप है वो हमेशा आपने किसी भी टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच करवाना है, वो इस साइड पे जिस साइड पे अटैच करवाएंगे वो आपका कार्बन नंबर 1 होगा। ओके, सो अब यहाँ पे इस वाले शुगर के अंदर एल्डो ग्रुप था तो आप इसे कह रहे हैं कि ये एल्डो शुगर है। इस वाली शुगर के अंदर कीटो ग्रुप है तो आप इस शुगर को क्या बोलोगे, कीटो शुगर। ओके, सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोला था, बिकॉज एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, पॉली इज फॉर मैनी एंड हाइड्रोक्सिल मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से आप कहते हैं कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी है, और इसके साथ साथ वो एल्डिहाइड या फिर एक कीटो ग्रुप भी उसके साथ अटैच होता है। ओके, ये तो हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल डेफिनेशन में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या फिर कीटोन्स हैं, या फिर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो सकता है जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स के सब यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये भी डेफिनेशन में ऐड कर सकते हो, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स बॉडी जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में और कीटोन्स में कन्वर्ट होगी। कॉम्प्लेक्स बॉडी को ब्रेक डाउन करवाना है और ब्रेक डाउन करवाने के लिए टर्म यूज की हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या लिखते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, हाइड्रो इज फॉर वाटर एंड लाइसिस इज फॉर ब्रेक डाउन, वो ये लिख देते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो क्या फिर आप इसमें लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ब्रेकडाउन तो हो रही है लेकिन वाटर की ब्रेकडाउन नहीं हो रही है, किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की आपने ब्रेकडाउन करवाया है सिंपलर में, लेकिन आपने इस ब्रेकडाउन के लिए वाटर को यूज जरूर किया है, और वो यूज कैसे किया वो आगे हम डाइसैकेराइड में और पॉलीसैकेराइड में आपको इसकी एग्जाम्पल दूंगी। ओके, सो ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, उसका मीनिंग और उसका जनरल फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस की अगर बात करें कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स अगर डेली लाइफ में चाहिए तो आप कहाँ से गेन कर सकते हैं, जितने भी बेटे आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड जो सिंथेसाइज करते हैं वो आप यूज करते हैं एज अ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं आप कह सकते हो कि प्राइमरी सोर्स हैं या मेजर सोर्स हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और ये कार्बोहाइड्रेट्स वो वेजिटेबल्स वो फ्रूट्स जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। फंक्शंस अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियस है कि आप जब भी कोई खाना खाते हैं, कोई प्लांट या वेजिटेबल या कोई फ्रूट खा रहे हो, तो आपका पर्पस क्या है उसको खाने का, कि आप उससे एनर्जी लेना चाहते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का कि ये सोर्स है प्रोवाइड कर रहे एनर्जी का, सो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स की सेल वॉल भी बना रहे हैं जो कि प्लांट्स को
एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। ये सेल वॉल, अगर प्लांट्स में आपने पहले जो ऑर्गेनाइल्स पढ़े थे उसमें सेलुलोज आपने पढ़ा था कि प्लांट की सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है। थर्ड फंक्शन जो कि कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट है, ये ग्लाइकोसाइलेशन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब ऑर्गेनाइल वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे कि ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, कि कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी लिपिड्स के साथ अटैच हो जाएंगे अगर, तो ये उसे ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट करवा देगा। ग्लाइको यहाँ पे ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट के लिए टर्म यूज की हुई है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएंगे तो ये उसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्लाइको प्रोटीन में। ग्लाइको इज अगेन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यहाँ पे टर्म यूज की है। ओके, सो ये फंक्शन जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर इम्पार्ट कर रहा है हमें, ये फंक्शंस हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल भी हैं। ये इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट्स का, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की स्टार्ट करेंगे।